कैलकुलेट करेंगे और कितना डस्ट कलेक्ट करता है हॉपर में, उससे रिलेटेड आज का हमारा न्यूमेरिकल है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ के समझाता हूँ। ठीक है, आज आपके सामने न्यूमेरिकल आगे देखेंगे। ड्यूरिंग एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टडी द इनलेट गैस स्ट्रीम टू द बैक फिल्टर वाज 2 लाख मीटर क्यूब पर आवर, द आउटलेट गैस स्ट्रीम वाज 2,20,000 मीटर क्यूब पर आवर, द डस्ट लोड ऑफ द इनलेट एंड आउटलेट इज 5 mg/m³ and 0.2 g/m³, आउट डस्ट केजी ऑफ डस्ट वाज कलेक्टेड कैलकुलेटेड एंड द बैक फिल्टर। सिंपल से बोल रहा है फ्रेंड। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या लगा है, हमारा 2 लाख का हमारा क्या होता है, फ्लू गैस आज क्या होता है स्ट्रीम पे जाता है और क्या कहता है 2.2 वहाँ से इन आउट होता है। ठीक है, जो इनलेट अपना 5 ग्राम अपना क्या है डस्ट है और जैसे आउटलेट होता है 0.2 g/m³ डस्ट होता है, तो उसकी क्वान्टिटी क्या कितनी होगी उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल सर फ्रेंड, जो डस्ट है आपको पहले बताया कि जो फ्लू गैस की क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, टोटल एयर फ्लो और डस्ट पार्टिकल आफ्टर थर्मल कंबशन ऑफ एयर और उसमें कोल जो बर्न होता है उससे जो जनरेट होता है फ्लू गैस उसकी क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर डस्ट की पार्टिकल कितना इनलेट पे दिया हुआ है 5 ग्राम दिया गया है और उसको फ्लू हमारे पास अपना एयर फ्लू गैस कितना दिया है 2 लाख मीटर क्यूब दिया है, तो टोटल डस्ट कितना हो जाएगा फ्रेंड, सिंपल सा है। ऐसे करके आउटलेट में कितना डस्ट है 0.2 g/m³ है, वहाँ पर फ्लू गैस क्वांटिटी कितनी दिया है 2,20,000। यहाँ पर 20,000 इसलिए आया है क्योंकि जो बैक फिल्टर को क्लीनिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग पर ईयर डालते हैं, उसकी क्वांटिटी यहाँ पर क्या है फ्लू गैस में एड हो गया है, इसलिए वो क्वांटिटी ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पर कम दिख रहा है फ्रेंड, इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसकी टोटल क्वांटिटी हम लोग डस्ट को इनलेट और आउटलेट में निकाल देंगे, तो आउटलेट में कितना आता है फ्रेंड, नहीं टोटल इनलेट डस्ट कितना हो जाता है 10 लाख g/m³ हो जाता है, आउटलेट में 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आता है 44,000 आता है ग्राम पर आवर आता है। इतना क्या हुआ, यहाँ पर जो इनलेट पर डस्ट के साथ जो एयर जा रहा था है ना, वो फ्लू गैस जा रहा था, उसको उसने बैक फिल्टर ने क्या किया कलेक्ट कर लिया और आउटलेट पर उसको क्या नीट एंड क्लीन भेजा गया, इसके कारण वो 0.2 हो गया, तो वो एयर अपना क्वांट वो डस्ट कितना आया आउटलेट पे 44,000। तब एक्चुअल में जो बैक फिल्टर जो कलेक्ट किया जो हॉपर में गिरेगा वो किसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगा, आउटलेट इनलेट माइनस आउटलेट कर देंगे तो कितना आता है 9,56,000 g/h। ठीक है, सिंपल से निकालना था फ्रेंड, ज्यादा कुछ करना है यहाँ पर, इसको ग्राम को क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए नीचे 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 956 kg/h। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, अब इसी में एफिशिएंसी पूछेंगे बैक फिल्टर का, तो पहले इनलेट में कितना था 10 लाख है, आउटलेट कितना आ रहा है, ठीक है, और कलेक्शन कितना हो रहा है 9,56,000 हो रहा है, तो उसको सिंपल से आउटलेट बाय इनलेट कर देंगे तो उसका 95.6 अपना बैक फिल्टर की एफिशिएंसी आ जाएगा। सिमिलरली ही हमारा ईएसपी का भी न्यूमेरिकल बनता है फ्रेंड, वहाँ पर क्या करता है जो ईएसपी जो डस्ट कलर करता है उसकी क्वांटिटी आप पर क्या करते हैं पर हॉपर में ऐसा करके कम होता जाएगा, उसे करके कैलकुलेट कर लेंगे। वहाँ पर जैसे इनलेट पर अपना जैसे 5 ग्राम है ना, तो जैसे फर्स्ट फिल्टर के बाद वो क्या होता है फर्स्ट पास के पास कितना होता है 3 हो जाता है, फिर उसका 2 हो जाता है, फिर 1 हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, जैसे हर हॉपर के इंडिविजुअल हम लोग निकाल सकते हैं, फिर टोटल का एड कर देंगे, तो इंडिविजुअल हॉपर का भी निकाल सकते हैं, ओवरऑल हॉपर का भी हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं वहाँ पर ईएसपी में। ठीक है फ्रेंड, और दोनों कंबाइंड देता है बैक फिल्टर प्लस ईएसपी का हॉपर का, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, आपको होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।